विनियर पे अगर ऐसा पेंसिल का निशान हो, इसको पानी के अंदर डुबो। पहले इससे कोशिश करो, इससे ना हो तो स्पिरिट से करना। देखो देखो निकल गया, साफ हो गया पानी से, स्पिरिट नहीं लगाना पड़ा। स्पिरिट से भी साफ कर सकते। ध्यान रखो पानी लगा के छोड़ ना दो, तुरंत हाथ के हाथ उसको सूखा डालो, नहीं तो बीनियर निकल जाएगा पानी से फूल कर। यहाँ फेविकोल लगाया है तो इसको पानी से, दूसरे किसी चीज़ से नहीं छोटा सकते आप। पानी ऐसे लेकर करो इस तरीके से, अगर हल्का लगा होगा तो पूरा साफ हो जाता है इस तरीके से। पेंटर बहुत महान होते हैं ना। ये देखो इधर का निकल चुका है, देखो निकल, और जहाँ जहाँ वाइट वाइट दिखेगा ना वो मान लो अभी भी है। ये यहाँ का भी निकाल दिया हमने इस तरीके से, निकाल दिया ना हमने फेविकोल को भी इस तरीके से, पेंसिल के निशान, फेविकोल के दाग। इन दोनों किलो में कुछ अंतर आपको नजर आ रहा है? देखो ये नुकीला है ना, इससे आप कील नहीं दबा पाएंगे, क्योंकि आप अगर कील के ऊपर रखेंगे तो कील से फिसल के दूसरी जगह छेद कर देगा। कील को अंदर करना हो ना, कील के मत्थे को मतलब थोड़ा सा अंदर पॉलिश करना है तो इस तरीके से थोड़ा कर लो। ये देखो अब इसका नुकीलापन ख़त्म हो गया। अब आप कहीं पे भी ऐसे रख के जब आप ठोकेंगे ना इस तरीके से, देखो ऐसे तो चला जाएगा, इधर उधर कहीं जाएगा नहीं, छेद नहीं करेगा। देखो ना ऐसे ऐसे कर लेना जब भी कील ठोकना हो तो। ग्राइंडिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसमें पॉलिश करेंगे। ठीक है, देखो इस तरीके से करने के बाद तब पॉलिश करनी चाहिए। देखो इतने स्मूथ हो गया, 80, 100, 120 जब ये लगाओगे ना तो बारी बारी से ऐसा ही चिकना हो जाता है। एक बार पहले लगाए, एक बार आप लगा रहे हैं तब जाके ऐसा हुआ। ठीक है, 320 नंबर सेंट पेपर, ए राजू तेरे पास दूसरा कोई प्लान है? देखो भाई रेगमाल लग चुका है, पॉलिश होने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है, सेंडिंग हो चुकी है, ब्लोर भी लग चुका है। जो पाउडर लगाएंगे उसको तैयार कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले चॉक पाउडर, ठीक है, 200 ग्राम चॉक पाउडर डालिए। देखो डाल दिया 200 ग्राम रॉ सेना यानी येलो कलर डालिए। देखो अगर 200 ग्राम चॉक पाउडर में आपको बनाना है तो मैं उसका रेशियो बता रहा हूँ। 200 ग्राम चॉक पाउडर में 200 ग्राम रॉ सेना एनी पाउडर मिलाएंगे और कम से कम 50 ग्राम जर्मनी मिट्टी भी डाल दें। देखिए इसका पीलापन थोड़ा अलग होता है, इसका अलग होता है, जबरदस्त। ये देखो हमने पहले से क्यों अलग कर लिया, ताकि आपको बताने में हमें दिखाने में सुविधा हो। ठीक है ना, ये लेंगे कम से कम 20 से 30 ग्राम। ये भी लगभग 20 से 30 ग्राम आपकी स्वाद अनुसार मिला सकते हो। ठीक है, अपने जायके के अनुसार आप मिला सकते हैं, आपस में अच्छे से
हिलाते रहें, इसको मिलाते रहें। अब इसमें कोई उस्तादी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कभी कभी टीक के अंदर भी बहुत सारे कलर के आते हैं टीक, तो कभी किसी में रेड थोड़ा कम देना पड़ता है, कभी किसी में रेड थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। उसी तरीके से ब्राउन भी किसी में थोड़ा कम देना पड़ता है। जो आपके वुड का कलर होता है ना, वैसा ही बनाना पड़ता है, थोड़ा 19-20 करना पड़ता है। ये बन चुका है, ये देखो, ये हमारा पहले का बना हुआ रखा था। देखिए इसमें थोड़ा सा रेड ज़्यादा है नेचुरल, देखो दोनों में कितना अंतर है, देखो। और ये देखो, इसमें थोड़ा सा येलो ज़्यादा है, इसमें हल्का सा रेड ज़्यादा है। ऐसा होता है, लकड़ी के हिसाब से बनाना पड़ता है, थोड़ा 19-20 होता रहता है। हम बिनियर में घोल कर कपड़े से लगा के तुरंत पहुंच देंगे। अब समझ गए ना किस तरीके से मिक्सअप करना है। पॉलिश का हाथ लगाने से पहले बना ही लेते हैं, ठीक है ना। इसमें डालो पानी, तो क्लीन वाटर, इसको करो मिक्स प्यार से। थोड़ा सा 5 ml से भी कम डालना है, ऐसे थोड़ा थोड़ा बनाएंगे तो थोड़ा थोड़ा फेविकोल डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाद में सेंट पेपर से घिस के निकालना भी है। ज़रूरत हो हल्का सा और फेविकोल बाद में अलग से, 1-2 हाथ पॉलिश लगाने के बाद मिक्स कर सकते हो उसके बाद रिपीट। फेविकोल देने की वजह से कितना हार्ड हो जाता है ये। एक काम करते हैं, इसको तो हम लगा नहीं रहे ना अभी, जब लगाएंगे तब मिक्स कर लेंगे, अभी रहने दो, क्योंकि अभी तो हमें पॉलिश भी लगाना है ना बिनियर में, इसलिए इसको ऐसे रखा रहने दो। अब इसके अंदर डिप करो, डिप किया, इसको इस तरीके से करो। अब चलो करके दिखाते हैं।
उसको पानी से घोल के कपड़े से लगा के तुरंत पोंछ भी देंगे, तो मोटा मोटा नहीं लगाना है।